तो वैसे काफ़ी ज़्यादा भारी है, काफ़ी टफ है इसे उठाना सर पे। फोड़ रहा था और ये नाली फट गई, इसने ज़्यादा गंदक डाल दिया। गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइज कैसे आप सोच रहे हैं, बहुत ही बढ़िया हूँ, फुली आप सब भी अच्छे हो गए। सो गाइज आज छठ पूजा है, सो मॉर्निंग अभी टाइम हो रहा है 12:30 और अभी मैं जा रहा हूँ फल लेने, गोलू भी जा रहा है, गोलू तो अभी चलते हैं फल लेके आते हैं। बाकी सारा सामान तो आ गया था, फल हम आज लेके आ रहे हैं, सो लेट्स गो गाइज। तो गाइज यहाँ पे पूरा छठ पूजा का ही सामान मिल रहा है, यहाँ पे स्टॉल लगा रखे हैं छोटे छोटे, सारा छठ पूजा का सामान मिल रहा है। तो गाइज पहले सेब ले रहे हैं, तो गाइज ये डाली सजाई जा रही है छठ पूजा के लिए, मम्मी लगे हैं यहाँ पे पेड़ा बनाने में। सो गाइज अभी नहा के रेडी हो चुका हूँ और अब चलते हैं घाट पर, देखते हैं कि क्या क्या तैयारी हुई है, अगर कोई काम रह रहा है तो हेल्प करवाते हैं वहाँ पे। सो लेट्स गो। तो गाइज ये टैंकर से पानी भरा जाएगा अब, ये गाइस हम हो गए रेडी, मैं भी हो गया हूँ रेडी, कुर्ता पजामा डाल लिया है और ये हमारा ये भी रेडी हो गया है, इसे पूरा फल वल सब सजा दिया और इसे सर पे उठा के ले जाना है, वो आपको दिखाऊंगा वीडियो में। ये काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, इसे सर पे ही लेके जाना पड़ता है छठ के घाट तक। सो थोड़ी देर में निकलेंगे हम यहाँ से, गोलू भी पूरा रेडी हो चुका है। गाइस ये ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा, ये घर से ही जलते हुए जाता है ये दिया। और ये हाथी, ये हाथी, हाथी का फेस दिखाओ सही। आज आ रहे हैं घाट पे नंगे पाँव, वहाँ पर जाके वहाँ पे हमारी सीट कवर करेंगे और थोड़ी देर में हम लेके चलेंगे डाला। तू उठाएगा सुबह वाले में डाला। तो गाइस अब उठाने जा रहे हैं हमें डाले को, काफी ज्यादा भारी है, काफी टफ है। यहाँ पर धीरे धीरे डाली लेके आने लगे हैं, धीरे धीरे यहाँ पे भीड़ लगने स्टार्ट हो गई है। गाइस वहाँ पे डाली वाले सजा दिए हमने, सीट हमारी कंफर्म हो गई है, मेन सीट मतलब वो हमारा एरिया वहाँ पे कवर कर दिया हमने, डाली वाले रखे थे यहाँ पे, हम पूजा करेंगे और मम्मी अभी रेडी होने में लगी है। सो मम्मी रेडी होती है फिर जाएंगे, जब वैसे भी टाइमिंग भी नहीं है, टाइमिंग 4:30 की है। मम्मी यहाँ पे मेकअप करने में लगी है, मम्मी जा रही हैं, आ रहा हूँ गाइस। मम्मी वगैरह जा चुकी हैं, सब वहीं घाट पे पहुंच चुके हैं और हम भी अब चलते हैं, लॉक वगैरह लगाते हैं गेट में और निकलते हैं यहाँ से। Oh,
बच्चुआ क्या कर रहे हो? पहले कितनी कम भीड़ थी, अब कितनी भीड़ हो चुकी है दिखा। पूरा फुल हो चुका है और अच्छा हुआ थैंक गॉड हम पहले आ गए थे, हमें जगह मिल गई है। मोदी साहब से एक ही गुजारिश करना चाहूँगा, मोदी साहब कुछ कीजिए। हम यहाँ से वार्ड से गुजारिश करते हैं कि हमें इस वार्ड में अच्छा सा घाट बना के दिया जाए और अच्छी सुविधा हो, और इतनी भीड़ भाड़ में हमें मैनेजमेंट सही मिलना चाहिए। गाइस आई होप आपको समझ आ रहा होगा, तो एक प्रिडिक्शन फाइल करते हैं हम भी। लखनऊ में प्रिडिक्शन फाइल करना पड़ेगा हमें, नहीं तो हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट तक बात ना जाए तो हाई कोर्ट में ही फैसला कर दीजिए। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? भीड़ देखो एक बार। छत से देख सकते हो कितना प्यारा व्यू आ रहा है, और ये सारे बंदे हैं छत से व्यू देखने में। वो नीचे काफी ज्यादा भीड़ हो गई है। फर्स्ट टाइम हो चुका है वापस बाहर आने का सबका। बस मम्मी पानी से बाहर आ चुके हैं और छठ मैया की, छठ मैया की, छठ मैया की। गोलू भैया पीछे पीछे साथ साथ क्यों यार पीछे देखो पीछे देखो। सो गाइस अब गोलू को दे दिया मैंने, क्योंकि सबको पुण्य मिलना चाहिए। और ये पीछे अमित और सुमित सब लेके आते हुए। सो इसी के साथ हमारा शाम की पूजा समाप्त हो गई, और अब कल मॉर्निंग वाली बचे। अब पटाखे फोड़ने की बारी आएगी, जो कि हमारे पास बचे नहीं है। सो गाइस ये हमारा ट्रेडिश। एक मिनट रुक जाओ आराम से, बोला बता तू। सो गाइस मैं कैमरा बंद करता हूँ, टोकरी। सो गाइस इन सब चीज़ों में पुण्य मिलता है, तो हम पुण्य कमाने में कहीं पीछे नहीं हटते। मैं जलाऊंगा तो मैं उसने ले लिया। अंदर अंदर से मुंह आधा साइड कर ले। एक बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके। तो
गाइस यहाँ पे हथियार भी आ गया हमारा, सब हथियार लेके आते हुए। ए आज तो बेटे मौज। ओ थोड़ा थोड़ा डाल। सो गाइस देख लो, अभी ये नाल लेके आया था सफेद, जो भी मैं फोड़ रहा था और ये नाल ही फट गई। इसने ज़्यादा गंधक डाल दिया, पोटाश जो भी कहते हैं। सो गाइस ये चीज़ें मैं इसलिए अवॉइड करता हूँ, दिवाली में मैंने इसलिए नहीं फोड़ा, नाल नहीं फोड़नी चाहिए। गाइस देख लो ये पूरा फट चुका है। सो गाइस नॉर्मल पटाखे ही फोड़ो, इसके पास भी दो थे, इसने बेच दिए। गलत चीज़ है गाइस ये सब, इन बच्चों की तरह छोटे मोटे पटाखे फोड़ा करो। अबे पैर क्यों लगा रहे हो वहाँ पे अंबर, अबे हट जा। तो गाइस ये देख लो, मारो मारो, ऐसे क्या होगा। ये उनके फ्रेंड्स हैं जो कह रहे हैं बातचीत ही खत्म हो जाएगा, और ये बीच में एक बच्चा पटाखे लगा रहा है और ये चल चुका है। तो गाइस हम यहाँ पे गली के कुत्ते को खिला रहे हैं। सो आप भी स्ट्रीट डॉग को खिलाया करो गाइस, क्या इतना प्यार करते हैं, क्या मांगते हैं बस ये थोड़ा सा खाना। तो गाइस खाना बन चुका है, बुआ ने बनाया खाना और अब खाना खाते हैं। और सो गाइस खाना पीना हो गया है डन, और अब कल मॉर्निंग वाली छठ पूजा है, उसकी थोड़ी बहुत तैयारी होगी। इवनिंग वाली यहाँ पे ख़त्म हो गई है, और जो कि जैसा कि अपने ब्लॉग में देखा होगा। और अब मैं लगता हूँ वीडियो एडिट पे, और वीडियो कल तक आ जाएगी। सो गाइस जो भी बंदे वीडियो देख रहे हैं कंटिन्यू, यार दिल से थैंक यू। सो ऐसे ही बने रहिए मेरे ब्लॉग चैनल पे, और देखते रहिए मेरे ब्लॉग रोज़। मैं डेली ब्लॉग डालता हूँ, सो डेली ब्लॉग देखिए मेरे। सो कल मॉर्निंग वाली छठ पूजा वो भी आपको दिखाऊँगा, काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी उस ब्लॉग में। सो Bye guys, love you all. Keep supporting me.